लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ देश के, मैंने परिचय दिया था आपको, बहुत वरिष्ठ वकील और खासकर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वकील जिनको मैं प्रो पीपुल सोच रखने वाला वकील मानता हूं, उनके साथ हम बात कर रहे थे। और मित्रों, हम जिस शासन में हैं वो डिजिटल शासन है। आज मुझे पता चला कि बिना ओटीपी के अकाउंट से 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आज किसी ने बताया 1 करोड़ भी किसी का चला गया है। पैसा गायब हो जाता है, पैसा नहीं मिलता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं। उसी तरीके से हम जब बातचीत कर रहे हैं तो जिसे अधिकारी चाहते हैं उसकी बातचीत को डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा कि बिना इस डिस्टरबेंस के ऊपर वो समझदार हैं, ध्यान दिए हुए, कृपया अपनी बात कहें, और अगर ठीक समझें तो थोड़ा दोबारा से कहेंगे तो मैं भी सुनने को बहुत उत्सुक हूँ। और जिस पेशे में हूँ उसमें अशोक जी को सुनना मेरे लिए बड़ा संयोग और सौभाग्य का काम है। तो अगर वो बता सकें दोबारा थोड़ा सा संक्षिप्त में तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अशोक जी, धन्यवाद संतोष जी। आपने जो बात करी थी किसान वाली, तो मैं किसान की बात से ही शुरू करता हूँ कि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैं 16 साल का था तो मेरे को आप जैसे एक फकीर, इंकलाबी, कंपैशनेट, करुणामय किसी दोस्त ने एक शेर सुनाया अल्लामा इकबाल का, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। मीनिंग देर बाय कि अगर फार्मर सुसाइड कर रहा है तो मेरा खाने का क्या हक है, किसी का उस दाने पे हक नहीं है। ये एक बात सबको समझ भी आती है, मैं समझता हूँ हर बंदे को सोचनी भी चाहिए ये। अगर मेरा अन्नदाता, मैं तो उसको अन्नदाता कहता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि फार्मर का हम चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कितना भी कोई पैसा दे दे, हम वो कनक का दाना बो नहीं सकते हैं, तो हम तो उसको नजराना देते हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे किसान में मिलेगा। तो जो हम जय जवान जय किसान का कहते थे, उसमें भी मैं किसान को ज्यादा, क्योंकि किसान बोएगा तो जवान बनेगा ना, जवान तो तभी बनेगा अच्छी कनक, अच्छा राशन खाएगा। तो इस एंगल से मेरे को लगता है, और इस सबके ये जीवन का सच हमें पता होते हुए भी, अगर आज 4.5 महीने से किसान सड़कों पे बैठे हैं अपनी डिमांड लेके, तो ये नौबत क्यों आ रही है? मतलब ये नौबत इसलिए आ रही है, मेरे को जो लगता है, जो मैंने थोड़ा लाइफ को स्टडी किया, कानून को स्टडी किया, कानून में कोई कमी नहीं है। पहली बात तो ये, बाबा साहब का अभी कल जन्मदिवस था, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन बाबा साहब ने ये भी बात करी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हमारे आने वाली कई शासक भूल गए और उस पर तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एज गुड एज द पीपल हु वुड गवर्न इट। तो कानून तो सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को एंश्योर करने वाला, अबाइड करने वाला, वो व्यक्ति अगर सेंसिटिव नहीं होगा, करेजियस नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई सेंसिटिव आदमी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आईपीसी तो सेम है, पुलिस मैन अगर ऑनेस्ट है तो मोहल्ले में इंसाफ मिलेगा, पुलिस मैन ऑनेस्ट नहीं है तो किसी को भी पकड़ेगा, पैसे लेगा। अब कानून सेम है, वकील भी ओथ लेते हैं, डॉक्टर भी लेते हैं, लेकिन ओथ लेने से वो चोला नहीं बदल जाता है अंदर का। ओथ तो जज भी लेते हैं, वकील भी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सभी ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का मायना क्या है? और ओथ तो, जैसे मैं वो वाक्य आपको शेयर कर रहा था कि जब मैं हार्वर्ड में पढ़ता था समर स्कूल में, तो एक प्रोफेसर जो वर्ल्ड रिलीजन पढ़ाते थे, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा एक दिन, मेरा उनसे कुछ इश्क दोस्ती हो गई थी। कहने लगे कि अशोक, इफ यू डोंट माइंड, आई हैव ए क्वेश्चन टू आस्क। आई सेड यस सर। ही सेड, इन इंडिया आई बिलीव 99% पीपल आर रिलीजियस, दे फॉलो वन और दी अदर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, किसी ना किसी को 99% लोग जो है किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद, 99% लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके बावजूद करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये कैसे, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती तुम्हें? मैंने कहा, नहीं सर, कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है कि जिनको आप रिलीजियस कह रहे हैं वो तो रिचुअल कर रहे हैं सारे,
वो तो रिचुअल कर रहे हैं। 550 साल पहले कबीर ने कहा उसके बारे में, आत्मज्ञान बिना नर भटके कभी मथुरा कभी काशी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मुहे सुन 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 आए हाँसी रे। वो कहता है ये सब मंदिर मस्जिद तो जा रहे हैं लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, तो उस मंदिर मस्जिद का क्या फायदा है, क्या फायदा है? तभी वो शायर कहता है वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे किसान में मिलेगा। तो उसमें भगवान नहीं देखते हैं, कुंभ में किसान देखते हैं। 15 लाख लोग कुंभ कर रहे हैं कोविड के बावजूद, उनमें से 1% भी जाके किसान के साथ बैठते, उनके लिए प्रोटेस्ट करते, उनके लिए कुछ करते, शायद कुछ मेरे को लगता है जल्दी भगवान मिलता उनको। तो ये जो सारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, ये सारे में गड़बड़ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छे इंसान नहीं बना रहा है। जो बाबा साहब कहते थे कि ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको लोगों की, तब कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। जो भगत सिंह ने कहा यू हैव टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाई मैन, वो सही मायने में आजादी होगी। आप देखिए 31 का मतलब 69 और 21, ये 90 साल हो गए आज उनको गए। 90 साल पहले जो 23 साल के लड़के ने बात करी थी, अनफॉर्चुनेटली यहां तो किसी को समझ नहीं आई, यहां किसी ने उसको तवज्जो ही नहीं दी। तो स्टेट्समैन तो वो था, वो खाली बम नहीं फेंक रहा था, रेवोल्यूशनरी तो था ही, बस ही वॉज इंटेलेक्चुअल जॉइंट, ए ग्रेट स्टेट्समैन। उसने उस टाइम बोला कि जो आप आजादी की बात करो ये बेकार की बात कर रहे हो, ये आजादी किसी काम की नहीं है जब तक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाई मैन आप नहीं रोकेंगे। विजनरी था वो बात उसने बोला कि भैया ये हिंदू मुस्लिम की बात मत करना, अगर हिंदू मुस्लिम डिवाइड करोगे तो दोनों देश सदियों सदियों आपस में लड़ते रह जाएंगे। देखिए वो हो रहा है। जो बात 23 साल के लड़के ने कही आजादी से 16 साल पहले, वो 47 में सारे जो सो कॉल्ड स्टेट्समैन कहता हूं मैं उनको, नेहरू गांधी पटेल जिना, सबने मिलके उसको समझना नहीं समझा, ये सारे मिलके भी नहीं समझ पाए जो 23 साल का लड़का जाते हुए कह गया था, और किसी ने तवज्जो नहीं, उसने कहा लेने दो आजादी ले लो, क्या आजादी है बताइए। मैं आजादी आजादी हमें मिली नहीं है संतोष जी, मैं तो लेट दी बिल्कुल पार्लियामेंट मी आई टेल देम, इसको आजादी कह रहे हैं आप? करोड़ों लोग भूख से मरते हैं, लाखों बच्चे साल फर्स्ट ईयर में मर जाते हैं अपने, मोर देन 50% विमेन आर एनेमिक, मोर देन 50% चिल्ड्रन आर अब्यूज आउट ऑफ विच 50% आर बॉयज, मीडिया में हमारा सबसे नीचे नाम आता है, ह्यूमन राइट में सबसे नीचे है, हंगर में सबसे नीचे है, करप्शन में हम सबसे ऊपर हैं। तो किस बात की आजादी है? आजादी तो मिली नहीं है, तो पेपर्स पे आपको मिल गई, आपके आता है। और अभी अभी आपने देखा होगा एक रिपोर्ट आई है वो यूएस की, उसमें उन्होंने कहा इंडिया इज पार्शली इंडिपेंडेंट। तो सवाल ये सारे इंटरमिंगल्ड है, मैं ये कह रहा हूं ये सारी मिजरीज जो हैं और जो किसानों की भी है ये सारी इंटरमिंगल्ड है, और एक ही रीजन है कि हम अच्छे इंसान नहीं बना रहे, हम जो घटोसले हैं जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा इंसान जिसका इंसान के लिए दर्द हो वो नहीं बना रहे हैं, हम मी माइंड में खो गए हैं। इंटेलेक्चुअल्स को मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करता हूँ, क्योंकि एक प्रीस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस पर कोई इंटेलेक्चुअल मुकदमा ना कर दें, वो तो कहते हैं कि मोस्टली इंटेलेक्चुअल्स आर पैरासाइट्स, दे टेक फ्रॉम दी कंट्री एंड लाइफ सो मच बट दे गिव वेरी लिटिल बैक। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दे आर ट्रेटर्स, इफ यू टेक फ्रॉम दिस सोसाइटी एंड डू नॉट गिव बैक यू आर ए ट्रेटर। जो शायर कहता है अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। जो हर रिलीजन कहता है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो वो सारी गड़बड़ तो यहां हो रही है, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले 70 साल से चला है, अभी चलता रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा। क्या इंसाफ है और क्या आजादी है? तो मेरे को यही लगता है कि जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, एक आपको ये भी शायद पता होगा संतोष जी, बड़ी अच्छी बात, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस के बहुत मशहूर जज ने ये कहा कि
किसी ने पूछा कि आप किसको जज बनाना चाहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जज? उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक अच्छा इंसान होना चाहिए बस। अगर कानून भी आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो चल जाएगा। पंचायत वाले कोई LLB करके थोड़ी बैठते थे, पंच परमेश्वर। उनका दिल कहता था ये ठीक है ये गलत है, और 99.9% फैसले ठीक होते थे। क्यों होते थे? दिल से, वो दिल से फैसला होता है। ये IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर ऑल हेल्पिंग टूल्स। फैसला इनसे नहीं हो सकता, फैसला तो जो अलामा इकबाल ने कहा कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, है देखना तो दीदाए दिल वा करे कोई, है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना वही कि ना देखा करे कोई। कह रहा इन आंखों से फैसला नहीं होगा, दिल की आंख खोल लेगा तो फैसला बढ़िया होगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के थोड़ी आएगी दिल की आंख, दिल की आंख IPC कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के थोड़ी आएगी। वो कंपैशन जो है कि किसका मुकदमा हम सबसे पहले करें, मंदिर का करें कि किसान का करें, अर्नब का करें कि किसान का करें, तो वो तो उनके पास है, वो दिल की आंख से होगा। नहीं तो गलतियां होती रहेंगी, होती आई हैं, और किसान सफर करेगा, और जो कुछ परसेंट आप जैसे लोग हैं वो कंपैशनेट जो हैं, जिनमें करुणा है, वो दुखी भी होते हैं, सोचते भी हैं हम क्या करें, अपना रोल भी अदा करते हैं। लेकिन जब तक ज्यादातर लोग सोसाइटी में, क्या होता है किसी मोहल्ले में 10 बदमाश हैं तो आप कहते हो बड़ा खराब मोहल्ला है, वहां मत जाना। किसी में 10 लोग सत्संगी हैं, अच्छी बात करते हैं, कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा है सत्संग होता है, अच्छी बैठक होती है, शायरी होती है, अच्छे लोग हैं। तो जितने इंसान अच्छे होंगे, जितने इंसान अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, वजह की बात है कि जो रिलीजन कह रहा है मन जीते जग जीत, हर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म की मन जीते जग जीत की बात कर रहा है, कंट्रोल योर इमोशंस एंड अपने आप पे काबू, वही कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आर्टिकल 51 है ड्यूटी में कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज फंडामेंटल ड्यूटी। और आपको हैरानी होगी संतोष जी, आपको हो सकता है पता भी हो, 99 में, ईयर 99, सोचिए कितने साल हो गए, 22 साल हो गए इस बात, 22 साल पहले देश के एक बहुत मशहूर और बड़े इज्जतदार और बहुत ही एक जाने माने चीफ जस्टिस ने कहा, काफी रिटायर्ड हैं लेकिन वो ही इज द सीनियर मोस्ट नाउ इन द कंट्री चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस वेंकट चलैया, उन्होंने 99 में बताया कि 99% लोगों को तो पता ही नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। और वो आज 22 साल बाद भी कंडीशन इंप्रूव थोड़ी हो गई है, जो उन्होंने कहा, सरकार ने उनको बनाया, एक कमीशन दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो था रिव्यू कमेटी, उसमें उन्होंने कहा सबसे जरूरी बात ये है, वो 22 साल में किसी ने 22 सेकंड भी नहीं लगाए उस पर, वो चलती जा रही है वैसे की वैसे ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो आज भी वही कंडीशन है। तो जब मुझे ड्यूटी ही नहीं पता है तो राइट कैसे मिलेंगे? जब ज्यादातर लोगों को ड्यूटी पता होगी तो ज्यादातर लोगों को राइट पता लगेंगे। ड्यूटी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए राइट। जब पुलिसमैन ड्यूटी करता है तो मेरे को पर्सनल लिबर्टी की राइट मिलता है, जब वो गड़बड़ करता है तो मेरा राइट चला जाता है। जब मेरे माँ बाप अपनी ड्यूटी करते हैं टू प्रोवाइड गुड पेरेंटिंग, मेरे को अच्छी पेरेंटिंग में परवरिश मिलती है। पटवारी ठीक ड्यूटी करता है, किसान को ठीक मिलता है। डॉक्टर ठीक ड्यूटी करता है, इलाज ठीक होता है। डॉक्टर किडनी बेच देता है, गड़बड़ हो जाती है। वकील ठीक ड्यूटी करता है, मुकदमा ठीक चलता है। वकील दूसरी साइड से मिल जाता है या गड़बड़ करता है, लापरवाही करता है, मुकदमा खराब हो जाता है। सो ये सारी बात, तो ड्यूटी करना सबसे जरूरी है। हर राइट ड्यूटी से ही मिलेगा, और ड्यूटी 99% कर नहीं रहे तो कैसे तवक्को कर रहे हैं? गालिब जो लिखते हैं, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई, तवक्को ही उठ गई लोगों की। अब लोग ज्यादातर उसमें आज जो शायर होता है ना, मैं इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा शायरी की बात करता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरे को लगता है शायरों ने ही तो बनाया है। जो शायरों ने बात की है वही सारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो शायर लिखता है, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो ऐतराज भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली,
अरे एक बार ही कल क्यों कभी तो आज भी हो, वही तो प्रियम्बल है, सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक फॉर ऑल, सेम नहीं तो बात है। तो शायद अच्छे से, शायर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, ढाई आकर प्रेम के पढ़े 100 पंडित हुए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं लिखा उन्होंने। नानक जी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के तो नहीं कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया प्रमोट फ्रेटर्निटी। सो नानक कबीर ने बनाया, गालिब ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, उनके जो ख्यालात थे वो सब आए हैं। इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात जब करता हूँ तो शायरी से जल्दी समझ आता है, और वो ही है, और वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने कह दिया कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े 100 पंडित, पंडित वुड मीन इंटेलेक्चुअल, वुड मीन समबडी हु कैन हेल्प अदर्स। पंडित जडेज मीन की जो पूजा हवन करता है खाली, उनकी मुराद इससे थी जो किसी की हेल्प कर सकता है, जो किसी को एक खुशी दे सकता है। जो शायर लिखता है कि फिजाए अर्श पे उड़ना तो कोई बात नहीं, किसी के दिल में उतरना कमाल है प्यारे। कह रहा ये बहुत कमाल है किसी के दिल में उतरना। वो कबीर साहब, वो नानक जी ने बताया कैसे उतरोगे, प्रेम से, कुंभ में डुबकी लगा के नहीं बनोगे। अरुणा जी, अशोक अशोक जी, आपसे एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, क्योंकि आपसे बातचीत इतनी अच्छी हो रही है कि इसे मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ सवाल हैं कि आप जितनी बात कह रहे हैं हमारा समाज बिल्कुल इससे विपरीत दिशा में जा रहा है। आपके जैसे सोचने वाले लोग तो इस समय ऐसा लगता है, आप जैसे बोल रहे हैं तो मुझे लगता है आप कहाँ से अवतरित हो गए, आप इस सुप्रीम कोर्ट में के भूल भुलैया में कहाँ से घूम रहे हैं। एक शायर जो कानून को भी शायरी की भाषा में परिभाषित कर रहा हो, और वो वहां पर बैठा है जहां को लेकर के एक हृदय विदारक दर्द हर उस इंसान के मन में है जो सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्याय के लिए जाना जाता है। लेकिन यही हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा संविधान कहता है कि हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इतना महंगा न्याय है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाए वो पहले तो अपना घर, खेती बाड़ी, बीवी बच्चे सबको बेच दे, फिर सुप्रीम कोर्ट में न्याय लेने के लिए जाए। पर ये भी सवाल मैं नहीं उठाता, मैं तो सवाल सिर्फ ये उठाता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखाई देता, या सरकार को ये नहीं दिखाई देता कि हमारे देश में किसानों की तकलीफ, किसानों की चिंता, किसानों की परेशानी, या गरीब आदमी की परेशानी, जो 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 लोग अभी भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, जो लोग अपने दर्द को लोगों को बता ही नहीं पा रहे हैं, जो समाज में अंतर विरोध है, ये सब अगर किसी की देखने की जिम्मेदारी है तो वो जहां विधायिका की है, कार्यपालिका की है, वहां न्यायपालिका की भी है। हम जो मीडिया के लोग कहलाते हैं, हम तो चौथा खंबा खामा खा कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी संविधान में तो कोई स्थिति है ही नहीं, ये तो एक परंपरा थी जो लोगों ने मान लिया कि ये जो कहते हैं इन तीनों के बारे में एक सही बात कहते हैं। और हमने अशोक अरोड़ा जी, मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि मैंने उस दौर को एंजॉय किया है कि मेरी स्टोरी के ऊपर मुख्यमंत्रियों के, दो मुख्यमंत्रियों को इस्तीफे हुए हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं आपको, मैं उस जमाने के लोगों का की संवेदना बता रहा हूं, सरकार की, सरकार चलाने वालों की, न्यायपालिका की। मेरे लिखे हुए के ऊपर मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, मेरी स्टोरीज के ऊपर प्रधानमंत्रीगण परेशानी में पड़े हैं, और उन्होंने परेशानी में पड़ना स्वीकार किया। मैंने हेडलाइन दी एक प्रधानमंत्री के बारे में कि ये जेल जा सकते हैं, किसी ने बदला नहीं लिया, किसी ने परेशान नहीं किया। लेकिन आज के जमाने में अगर आप सही बात लिखना चाहें, या सही बात विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को समझाना चाहें, आप नहीं समझा सकते। आप एक परिभाषा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी उसको खत्म नहीं कर रहा है, आप देशद्रोही करार दिए जा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपके जैसे संवेदनशील लोग जो फैसला करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, या न्यायपालिका में हो, ऐसे लोगों के हाथों में अगर फैसला करने की शक्ति है तो सही फैसला क्यों नहीं करते? और मैं आपको इस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए ये सवाल कर रहा हूं, मैं आपकी मानवता में मुझे कोई संदेह नहीं। जी जी संतोष जी, वही बात मैं कर रहा था कि खाली ओथ लेने से चोला नहीं बदला जाता,
ऑस्कर वाइल्ड का बड़ा अच्छा कोट है, नथिंग वर्थ लर्निंग कैन बी टॉट। ये ऑनेस्टी, कंपैशन, डिसिप्लिन, लव, करेज, फियरलेसनेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से या ओथ लेने से नहीं आदमी सीख जाता। आप पहले रिश्ता करते थे, किसी से पूछते थे खानदान क्या है, संस्कार, खानदान क्यों पूछते थे पहले? अब तो खानदान किसी और वजह से पूछते हैं, कॉन्टेक्ट कितने हैं। पहले पूछते थे खानदान क्या है, कहते तो उसके दादा फ्रीडम फाइटर थे, नाना भी फ्रीडम फाइटर थे। तो ये बड़ी क्वालिफिकेशन गिनी जाती थी कि अच्छा फ्रीडम फाइटर थे। तो वो चीजें जब नहीं सिखाते आप, तो अपने आप तो सिस्टम में आती नहीं, या वो माँ बाप से आती हैं या किसी संत के साथ आ रहती हैं। संत वुड आई मीन कि भगवान ही, संत मीन जो अच्छा इंसान, कोई भी किसी फिलोसफर के साथ, किसी शायर के साथ, जो शायर समझता है बात को। तो वो अगर नहीं कराया जाता तो वो फिर आप कंप्यूटर या मशीन बन जाते हो। फिर एक जस्टिस होता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक होता है कंप्यूटर जस्टिस। तो अगर कंप्यूटर जस्टिस वाला जज है तो जस्टिस नहीं होगा, और कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो वो तो रास्ता ढूंढेगा। हमारे बहुत एक जो जस्टिस भगवती ने एक बड़ी अच्छी बात की थी जो रिटायर हो गए, उन्होंने कहा कि वी शुड इनोवेट मेथड्स, डिवाइस स्ट्रेटजीज टू हेल्प दोज टू हुम दी पर्सनल लिबर्टी हैज नो मीनिंग, फ्रीडम हैज नो मीनिंग। जिसको भूख खाना ही नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या पर्सनल लिबर्टी है? वो कैसे कह देगा देश आजाद है? जिसको दवाई नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रही, तो वो डिवाइस स्ट्रेटजी कहां से होगी? दिल से होगी, हिम्मत से होगी। वो ना दिल है ना हिम्मत, तो फिर क्या होगा? वो जो अल्लामा इकबाल लिखते हैं, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गहर के आगे, ना तन तेरा ना मन। तो जब ऐसे इंसान होंगे तो किसी भी पोस्ट पे होंगे वो जस्टिस नहीं कर सकते, ना एज ए डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, जज, कुछ भी। और अच्छे होंगे तो जस्टिस होगा ही होगा, बढ़िया होगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ, ये बड़े अफसोस की बात है जो मैं आपको बता रहा था, कि लोग रिलीजियस तो है, कुंभ मेले में तो जा रहे हैं, लेकिन जो एक फिलोसफर कहता है कि असल में अगर भगवान को, अगर आपको, आपको अगर मेरे को संतोष और चीनू में भगवान नहीं दिख रहा जो सामने बैठे हैं, तो इसका मतलब मेरा भगवान नकली है। मैं जिससे डील कर रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, मेरे को उसमें, जो किसान बैठा है 4.5 महीने से, अगर मेरे को उसमें भगवान नहीं दिख रहा और मेरे को कुंभ के मेले में दिख रहा है या किसी और रिलीजियस फंक्शन में दिख रहा है, तो बुल्ले शाह कितने साल पहले लिखे, नाठ नाठ मंदिर मसीदे वड़ना है कभी दिल अपने विच बढ़िया कर। ही सेज यू आर रनिंग टू टेम्पल एंड मॉस्क, एंटर योर ओन हार्ट, लुक विद इन, अपनी गिरावान में झांक क्या कर रहा है, तो किस लिए आया है? इसलिए आया है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। देखो शायर तो बता रहा है ना, शायर सारी पोल खोलता है समाज की, इलाज भी बताता है। शायर ने तो बता दिया भाई तुम्हारा ये हाल है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। शायर ने तो सारी पोल खोल दी, हर शख्स परेशान। वो कह रहा है बिरला ही मिलेगा तेरे को संतोष, ज्यादा परेशान दिखेंगे। तो जब ज्यादा परेशान है, दुखी है, अपने आप से दुखी है, जो अपने आप से दुखी है वो कैसे आपका भला करेगा? जो अपने आप में खुश है वो कुछ कर सकता है। अगर मेरे बैंक में 500 है तभी तो मैं 400 दे सकता हूँ। तो अगर मैं ही दुखी हूं तो मैं दुखी बांटूंगा, मैं सुखी हूं तो सुख बांटूंगा, जो मेरे पास हो वही तो मैं दूंगा, जो मैं कंप्यूटर में फीड करता हूँ वही तो फिर निकल के आता है। तो इसमें मैं अपने दिल और दिमाग में, जहन में जो फीड करता हूँ वही बाहर निकलता है। मैं फीड अच्छा ही नहीं करता हूं, मैं कह रहा हूं काम चलने दो यार, सब चलता है, दुनिया कहती सब चलता है। वो कितने साल पहले अकबर अलाहाबादी ने शेर लिखा, मैंने उसको थोड़ा मोल्ड और अमेंड कर दिया, वकील आदत से जाता नहीं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, मैंने उसको थोड़ा मोल्ड किया, लेकिन मतलब काफी आसपास है कि क्या करें सेठ जी क्या कारनामे कर गए, पहले
पैदा हुए, बीए किया, अफसर बने, पैसे कमाए, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों की शादी की, फिर बच्चों के बच्चे पाले, फिर मर गए। बस वही जो जानवर करता है अपने बच्चों का, तो उस कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोग हैं। वो नतीजा आपके सामने है कि सफर कर रहे हैं। तो जब खाली मैं अपने बच्चों का ना सोचूं, पूरी कायनात का सोचूं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात है कॉन्स्टिट्यूशन में और हर रिलीजन में ये है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आपके पास पहुंच पा रही है तो। इसका ब्रेक थ्रू क्या है इस सिचुएशन का, अगर मेरी आवाज आ रही है तो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका चेहरा मेरे स्क्रीन के ऊपर फ्रीज हो गया है, तो आवाज कहीं कोई दिक्कत, मुझे लग रहा है कि अब इस बार इंटरनेट ने अशोक अरोड़ा जी को परेशान किया है और हम सब लोगों को उस खूबसूरत बात को सुनने से रोक दिया है जिसे वो कहने जा रहे थे। और मैं उनसे, अगर वो आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल की बात की, अशोक अरोड़ा जी जैसे लोग, और जो लॉ के प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बड़े बड़े वकील हैं, बहुत सारे वकीलों का स्नेह मुझे मिला है, बड़े वकीलों का, लेकिन जजेस का भी मिला है, लेकिन और सब अच्छे लोग हैं, पर अशोक अरोड़ा जैसे लोग बहुत कम हैं, खासकर न्याय की दुनिया में, जहां पर न्याय खरीदा, माफ कीजिएगा, खरीदा बेचा जाता हो और न खरीदने वाले को कोई रोकता है, न बेचने वाले को कोई का कोई विरोध करता है, ऐसे लोगों के बीच में अशोक अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका, हमारे बीच में आ गए हैं। अशोक जी, मैं आखिर में आपसे सवाल जी पूछता हूँ कि इस सिचुएशन का ब्रेक थ्रू क्या है? एक ओवरऑल हमें कमेंट करके या एनालिसिस करके बताइए कि जिस सारी चीज की का आप जिक्र कर रहे हैं, नया इंसान बनाने की बात, सोचने समझने वाले लोग हमारे बीच में कहाँ से आए, क्योंकि पूरा माशरा हमारा, पूरी सोसाइटी तो बिल्कुल एक तरह से चल रही है, एक एक तरह से सोच रही है, और उसमें कहीं भी ह्यूमैनिटी नहीं। और आखिर मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि एक तथ्य और मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जब से हमारे मुल्क में ये बाबाओं के चैनल आए, जिसे हम साधु संत महात्मा कहते हैं या मुल्ला मौलवी कहते हैं, इनको बेस करके जब से ये सो कॉल्ड आध्यात्मिक चैनल आए, धार्मिक चैनल आए, तब से इस देश में रेप, बेरोजगारी, आपस में मनमुटाव, ह्यूमैनिटी का खात्मा, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा नजर आए। जब तक ये नहीं थे उपदेशक, चाहे वो उर्दू के हों या हिंदी के हों या अंग्रेजी के हों, जब तक ये नहीं थे तब तक हमारा समाज ज्यादा कोहेसिवनेस से चल रहा था। इसका ब्रेक थ्रू क्या है अशोक जी? आवाज फिर कुछ गड़बड़ हुई शायद। अशोक सर, आपका माइक म्यूट है। मेरा अशोक सर, अशोक जी का आपका, अशोक जी, आपका माइक म्यूट है। सरकार ने एग्री कर लिया कि हम 18 महीने उसको ठंडे बस्ते में डालने को तैयार हैं और एमएसपी भी देने को तैयार है। तो मैं समझता हूं कि अगर 18 महीने की जगह 30 महीने कर लें, अगर किसान कहते हैं तो क्या दिक्कत है। रिपील नहीं करते मत करिए, कोई नहीं, 30 महीने की उनको गारंटी दे दीजिए कि ठीक है हम इसको 18 महीने क्या और 30 महीने क्या, जब दोबारा ले आना। कोई कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ये तो 5 मिनट की बात है। अगर कोई अथॉरिटी, अब ये है ना संतोष जी, मैं और आप जो बात करते हैं उसका कई बार इतना मायना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट या सरकार कंपैशनेट हो जाए और सोचे कि इसमें क्या दिक्कत है, बुला के बिठाओ, किसानों के लीडर को बुलाओ, चाय पे बुलाओ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम क्या है। देर इज अ विल देर इज अ वे। उनको भी एमएसपी चाहिए, एमएसपी आप दे भी रहे हैं, अभी डायरेक्ट पेमेंट भी रिलीज कर दिया है, 18 महीने रखने को भी तैयार है। तो उनको एक बार इंश्योर किया जाए, मेरे हिसाब से तो इसका 5 मिनट में हल हो सकता है। और किसान लीडर्स को भी चाहिए कि उनको थोड़ा गाइड करें, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिपील 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 अगर नहीं भी हो रहा तो अगर स्टे हो जाता है से फॉर 30 मंथ्स, अगली सरकार तो आके बनाएगी नहीं इतनी जल्दी, इलेक्शन राउंड द कॉर्नर होगा तब भी कुछ ऐसा मिसचीफ नहीं होगा। इस बीच भी 30 महीने की तो बात करो, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अगर 30 महीने की श्योरिटी मिल रही है, एमएसपी मिल रहा है, तो 30 महीने बाद फिर देखेंगे। तो इस लाइन पे मेरे को तो लगता है, मैं हैरान हूं और अफसोस भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस चीज को क्यों नहीं
खट से इम्प्लीमेंट कर देती और इस लाइन पे बात कर लेती, वो खट से हो जाएगा, क्योंकि जब अथॉरिटी कहती है खट से होता है, दोनों तरफ को बिठा के मीडिएटर्स फैसला करा सकते हैं। तो यही मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ कंपैशन की या विजडम की, क्या कहूँ मैं, मतलब किस चीज़ की कमी है कि दर्द जो है वो इस सदी में तेरे होठों पर तबस्सुम की लकीर, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। मेरे को लगता है कि इतना सब कुछ देख के भी अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है कुछ, तो बड़ी अफसोस की बात है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी होनी चाहिए कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तब मैं कहूँगा बढ़िया सुप्रीम कोर्ट, बढ़िया सरकार, नहीं तो काम चल रहा है चलने दीजिए, कितने साल से चल रहा है, 50 से आज कितने साल, 71 साल से बनी है, चल रहा है काम तो चल ही रहा है, लेकिन वैसा ही चल रहा है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। चलिए, मेरा आप ईमेल संतोष जी शेयर कर सकते हैं, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स कॉन्फ्रेंस है जो काफी फ्री लीगल का और मीडिएशन का फ्री में, जो 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 लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनकी, काफी उनके बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को मोटिवेट करने का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गाइडेंस करने का, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग का, तो काफी काम हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो फ्री में करते हैं। तो मेरा ईमेल बहुत सिंपल है, एज माई नेम रन्स अशोक अरोड़ा 2310@gmail.com। तो आप अपने उसमें स्टूडियो में या कहीं भी कर सकते हैं, और आपको जानने वालों को सुनने वालों को कहीं लगे कि कहीं फ्री लीगल एड का या किसी ऐसा काम की बच्चों की कोचिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, फ्री में जो होता है, जो पब्लिक सेवा जो कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपके जैसे लोग इन सवालों के ऊपर लोगों के बीच में थोड़ा ज्यादा आए, और खासकर मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि अभी जो आपने जिक्र किया, जिन्होंने फ्री लीगल एड दी या बच्चों का एजुकेशन किया, उनकी कुछ ऐसी ह्यूमन स्टोरीज हों जो जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पक्का, पक्का, मैं आपको फोन भी भंडार है पूरा जी, तो मैं फोन करके मिलते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, यू आर ए सेंसिटिव सोल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। और मैं सर आपको मैं आपको बुलाऊंगा भी, और ऐसी कहानियों को लेकर के मैं लोगों के बीच में लाना भी चाहूंगा, क्योंकि उससे समाज में बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, यही तो, ये दैट इज द वे टू सॉर्ट ऑफ मोटिवेट एंड एनलाइटन एंड क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट सेंसिटिविटी, जो जगाने का काम है वो, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो पहले संत लोग किया करते थे, जो शायर किया करते थे, यही तो काम करते थे, और क्या करते थे, बुल्ले शाह क्या करते थे, नानक कबीर क्या करते थे, यही करते थे, यही करते थे, तो वो आज तक तो उनका याद है। गालिब क्या करते थे, यही करते थे, बढ़िया बातें करते थे, और उसका आज तक असर है हम पे, अंदर तक हिला देता है वो। तभी मैं कह रहा हूँ वो इतनी सेंसिटिव, करुणा को क्रिएट करना, करुणा को जन्म देना, करुणा बनाना, ये कोई किताबों से नहीं आएगा। किताबें तो टूल्स हैं, पढ़नी चाहिए बच्चों को, नॉलेज लेनी चाहिए, लेकिन जो असली माल है वो तो कहीं, करुणा जो है वो तो कहीं और से आता है, अंदर झांक के आता है, लाइफ का पर्पस ढूंढने से आता है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो फंडामेंटल ड्यूटी विच आई से इज दी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर व्यक्ति ये काम करेगा, सुबह सवेरे आते जाते, सोते बैठते सोचेगा मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ या ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। चलिए, मुलाकात रहेगी, धन्यवाद आपका संतोष, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी परेशानी में भी आप शो छोड़ के गए नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ वो थोड़ी सी भी परेशानी सह नहीं पाते, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, और इस प्रोग्राम को समाप्त करने का मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।